An Academy. Let's crack it. Hi guys, welcome to One Academy. So guys, हम इतने time से wait कर रहे थे कि CLAT कब होगा. So 23rd July now exactly बहुत नज़दीक है और आप लोगों ने बहुत hard work, smart work किया है, number of question practice किए हैं, हम गिरे भी हैं mock में उठे भी हैं. So guys, this is the time you had to be stay focused and stay positive about your exam. राइट सो गाइज, मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज हैं. आप लोग ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक हैं, जस्ट फोकस रखे हैं अपने एग्जाम पे. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, एंड आई नो यू कैन मेक अस प्राउड अन अकेडमी पे. आप एग्जैक्टली बहुत अच्छे से कर रहे हो, बस आपने एग्जाम में जाके उसको अच्छे से परफॉर्म करना है. राइट गाइज, थैंक यू एवरी वन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. आई नो यू विल क्रैक द एग्जाम. सो गाइज, इट्स टाइम टू क्रैक द एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट. बाय गाइज. बच्चों, क्लैट अब आ गया है. कुछ ही दिनों में क्लैट का एग्जाम होने वाला है और आपने जितनी भी मेहनत करी है पिछले एक साल दो साल से, वो सारी की सारी मेहनत जो है वो टेस्ट होने वाली है. मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि आपके एग्जाम में 90% चांसेस आपके एग्जाम के सेलेक्ट होने के या ना सेलेक्ट होने के आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, और 10% ही सिर्फ पढ़ाई होती है. ठीक है, सो अपने ऊपर ट्रस्ट करना है. जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं. जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, वो डिसाइड करेंगे कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं. सो जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, और आपने जितनी भी मेहनत करी है उसके ऊपर भरोसा करें. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लोगे तो नंबर जाएंगे. ठीक है, और टेंशन नहीं लोगे तो नंबर आएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लैट, और बढ़िए से पेपर करेंगे और क्लैट फोल्ड करके आएंगे इसके बाद, और मुझे मिलेंगे. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टुगेदर विद अन एकेडमी लेट्स क्रैक इट. हाय एवरीवन, विश यू लॉट्स ऑफ लक, एंड आई होप ऑल ऑफ यू गेट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ योर ड्रीम्स. रिमेंबर टू बिलीव इन योरसेल्फ, एंड योर क्लैट स्कोर डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच यू हैव prepared or studied till now. It actually depends on how calm you are during the examination, how composed you are, and how much you have confidence. Hey everyone, welcome to Unacademy. I am Sameer, I teach you English on Unacademy. तो CLAT 2021 वाले बच्चों, all the best to you all. आप लोगों के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. आप हमें पता है कि you all will make us proud. डर लग रहा है, डरो मत. मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि तुम लोग कर लोगे. बहुत मेहनत करी है तुम लोगों ने पूरे साल, या फिर जितने महीने से तुम लोगों ने स्टार्ट करी है. आई हैव सीन यू लाइक यू नो अटेंडिंग माई क्लासेस इन नंबर्स. आई हैव सीन यू लाइक यू नो कि इतने डेडिकेटेडली अपने ड्रीम्स के बारे में मुझसे शेयर किया हुआ है. मैं तुम सबके लिए दुआ करता हूँ कि हाँ, तुम्हारा पेपर अच्छा जाए. प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लो, रिलैक्स होके जाओ, बी योर सेल्फ. वहाँ पे जाओ, पेपर भर के आओ, OMR शीट भी टाइम पे भर लेना, अच्छे से सेक्शन सॉल्व कर लेना. मैं दुआ मांगूंगा तुम लोग के लिए कि तुम्हारा अच्छे से पेपर पूरा सॉल्व हो जाए. And all the best to you again, CLAT 2021 वालों बच्चों, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं. All the best, Hey everyone, I hope all of you are doing well. I'm your educator Anshul Vadva, आपका दोस्त, आपका educator, आपका Agni uncle. So I hope all of you are motivated enough to crack CLAT. CLAT is just around the corner, and I'm sure कि आप लोग अभी डर नहीं रहे हो. जैसा कि मैंने आपको रोज बोला है, रोज के लिए You have to write. I will definitely crack it. I will definitely do it. Just keep doing it. Not until CLAT only, but everything that you want to achieve in your life. But as of now, focus on CLAT. Be very, very confident. Nobody can beat you except you yourself. So I am 100% sure that all of you are going to achieve your goals. You're going to do well in CLAT, and you're going to be All India rankers, and you're going to fulfill my dream of getting a student who is an All India ranker one. Right, so wishing you all the best once again. Thank you so much. Guys, this is Kriti, your educator for Logical Reasoning and Quantitative Techniques. So I want to wish you a good luck for your exam. All the best, everyone. I hope you are going to rock the exam, right? So, and I also hope that every one of you have started revising. So you know that revise karna bahut important hota hai. So guys, keep on revising. Use all the time to revise everything, whatever you have studied for, you know, 1 year, 6 months, whatever the time of your preparation has been. Also, do not forget ki aapko बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पर स्पेंड नहीं करना है. राइट, सो अगर आपको लगता है आप किसी क्वेश्चन पर फंस रहे हो, तो उसे स्किप करो और आगे बढ़ो. OMR टाइम पर भर देना, ऐसा ना हो कि लास्ट में यू नो यू आर रशिंग टुवर्ड्स फिलिंग अप द OMR और आप भर ना पाओ. सो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. टेक लाइक अटेम्प्ट ऑल द मॉक,
ठीक है, गो थ्रू द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग, रिवाइज एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू नो वेयर टू कॉन्टेक्ट अस. बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. हे गाइस, सो हियर वी आर फाइनली ऑन द वर्ज ऑफ आवर क्लैट एग्जामिनेशन. Here's wishing all of you all the very best for your CLAT examination. And remember one thing, no matter how difficult the paper gets on that day, it's going to be equally difficult for every aspirant in the whole country. So do not lose your calm and composure. Stay calm, write the examination and let your practice take over. Wishing all of you all the very best for your CLAT examination and the other law examinations that you're going to take up.